हमारा माइंड दो तरीकों में बटा है। कभी इसे किसी भी सिचुएशन में अच्छा लगता है तो कभी ये चिड़चिड़ा सा हो जाता है और ये हर चीज़ में बोर हो जाता है। ये प्रोसेस लाइफ लॉन्ग चलती है, लेकिन एक स्टेज ऐसी भी आती है जब लंबे समय तक माइंड को कुछ अच्छा नहीं लगता, और ये किसी भी एज में हो सकता है। उस सिचुएशन में क्या करें? नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ पप्पू माया। आज की इस वीडियो में हम अपने माइंड को इस दुनिया में इंटरेस्ट लाने के कुछ तरीके बताएंगे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा काम में आएंगे, तो एंड तक जुड़े रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तरीका नंबर वन, म्यूजिक सुनना। जी हाँ, आपको सुनकर हैरानी होगी कि म्यूजिक एकमात्र ऐसी चीज़ है जो आपके माइंड में डोपामिन नाम का हार्मोन रिलीज करता है और आपके माइंड को बहुत ज़्यादा रिलैक्स करता है। और तो और, इसे सुनने के बाद जब आप कहीं बाहर जाओगे तब ये आपके माइंड में घूमेगा और आपको बहुत अच्छा फील कराएगा। तरीका नंबर दो, एक्सरसाइज करना। जी हाँ, आपका माइंड कितना भी बोर हो लेकिन अगर आप सुबह एक्सरसाइज करते हो तो ये आपके माइंड में डोपामिन नाम का हार्मोन रिलीज करता है और आपको बहुत अच्छा फील कराता है, क्योंकि अगर आपका शरीर फिट है तो माइंड को ठीक करने में ज़्यादा सक्सेसफुल रहोगे। लेकिन अगर आपका शरीर ही फिट नहीं है तो माइंड कहाँ से फिट होगा। तरीका नंबर थ्री, मोबाइल चलाना और टीवी देखना कम करना। जी हाँ, अगर आपका माइंड धीरे धीरे टेंशन में जा रहा है तो मोबाइल और टीवी से थोड़ा दूर हो जाओ, क्योंकि इसकी रेडिएशन हमारे माइंड के स्ट्रेस हार्मोन पर इफ़ेक्ट डालती है, जिसकी वजह से आपका माइंड इसमें ही अट्रैक्ट हो जाता है। तो अगर आप कहीं आउटडोर जाते हो तो आपका मन नहीं लगता, तो बिल्कुल बंद नहीं करना है, कम करना है। तरीका नंबर फोर, जिसे तुम सबसे ज़्यादा प्यार करते हो उससे बात करना। जी हाँ, अगर आप उसके साथ ज़्यादा टाइम बिताओगे तो आपका माइंड बहुत शांत हो जाएगा। लेकिन याद रखना, वो व्यक्ति भी आपसे उतना ही प्यार करता हो जितना आप करते हो। तरीका नंबर फाइव, जिस काम को आप अच्छे से करना जानते हो उसको करो। जी हाँ, ये कोई भी गेम हो सकता है या कोई भी प्रोफेशनल वर्क, क्योंकि आप इसमें ज़्यादा बेहतर स्कोर करोगे और इससे आपका माइंड पॉजिटिव रेस क्रिएट करेगा, वो आपके लिए बहुत रिलैक्सिबल होगा। तरीका नंबर सिक्स, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। जी हाँ, अगर आपको इन पाँचों में से कोई तरीका नहीं समझ में आया तो फिर आपका माइंड अपसेट है। बी पेशेंट, कुछ समय इंतज़ार करो, कुछ समय बाद आपका माइंड और सिचुएशन दोनों चेंज हो जाएंगे। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, अपना काम करना कभी मत छोड़ना, क्योंकि सिचुएशन तो चेंज होती ही है। आपको बाद में वही काम अच्छा लगेगा और आप बाद में बहुत रिग्रेट करोगे कि आपने वही काम क्यों नहीं किया। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए यहीं पर ख़त्म करते हैं, और अपने आप को अकेला मत समझना। मैं हमेशा नए मोटिवेशन के साथ आपके साथ हूँ, साथ मिलकर कुछ नया करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।